हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास के जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स भी हम बताएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं ताकि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन बाकी अदर लोगों तक पहुँचे। ओके, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। ऑलरेडी मैं कई सारे लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ कि हार्डवेयर के बारे में क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे कंप्यूटर में मुख्य दो भाग होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो कंपोनेंट से मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट या भाग होता है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम को आकार देता है। मीन्स जो भी आप फिजिकली देखते हैं सिस्टम, ये कंप्यूटर है, वो किससे बना होता है? हार्डवेयर से। हमारे सिस्टम में यूज होने वाले इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और नेटवर्किंग में प्रयोग होने वाली सभी तरह के डिवाइसेस हार्डवेयर के उदाहरण हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये सब क्या है? हमारे हार्डवेयर होते हैं। प्रिंटर, स्कैनर, माउस, जो भी कुछ है ये सब क्या है? हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें। ओके, तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश होते हैं जिसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है। तो सॉफ्टवेयर की जो एक डेफिनेशन होती है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या होता है? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है या समूह होता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। मींस हमारा जो सिस्टम होता है उसमें जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज करना है, वो कौन मैनेज करता है? सॉफ्टवेयर। तथा ये सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। मींस उनमें एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है कि ये आपस में मिलकर किस तरीके से काम करेंगे। ये काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। स्थापित करने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। मीन्स जो भी आप इनपुट देते हैं वो क्या होता है? एक रॉ डेटा होता है, उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, किस हार्डवेयर का यूज करना है, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मेन कैटेगरीज में दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। मीन्स जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स रहते हैं उनको मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसके विभिन्न भागों की देख रेख करता है। मीन्स इसमें कौन कौन से हार्डवेयर्स कनेक्टेड हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, किस टाइम पे उनको एक्टिव होना है, किस टाइम पे उनको कौन सा काम करना है, ये सब कौन मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तथा कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर की क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करना करने के लिए बनाया जाता है। तो जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इस वजह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम अपने हार्डवेयर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। मीन्स उसमें जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं हमारे सिस्टम से, उन सभी कंपोनेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र को कंप्यूटर प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम उस सिस्टम को यूज कर पाएँ। अगर हमारे सिस्टम में या हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, मोबाइल में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो उस मशीन को या उस हार्डवेयर को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूज़र का इंटरफेस जो प्रोवाइड करने वाला सॉफ्टवेयर है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कार्य के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेवलपिंग प्रोग्राम। इनको आगे हम डिटेल में देखेंगे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है और सिस्टम डेवलपिंग प्रोग्राम्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो सिस्टम को मैनेज करते हैं। मीन्स इसमें जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हैं उनको कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम।
इन प्रोग्राम्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए सभी हार्डवेयर जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मेमोरी आदि विभिन्न भागों को उचित मैनेजमेंट करता है तथा इनके बीच समन्वय स्थापित करता है। मीन्स ये एक दूसरे से मिलकर किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स। तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम आए दिन यूज करते रहते हैं, जैसे डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस। तो यहाँ पे डिस्क कंप्रेशन क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है उसको हम डिस्क में कंप्रेस करके कम से कम स्पेस में सेव कर सकते हैं, उसके लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है, बेसिकली ये एक तरीके का हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट इनबिल्ड एप्लीकेशन होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम जब यूज करता है हार्ड डिस्क को या किसी भी मेमोरी डिवाइस को यूज करता है तो क्या करता है, जहाँ भी स्पेस मिलता है वहाँ वहाँ वो डेटा स्टोर करता रहता है। जब हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूज करते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे कि जो अलग अलग पड़ा हुआ डेटा है उनको कैटेगरी वाइज एक जगह पे स्टोर करता है, ताकि जो हमारा स्पेस है, मेमोरी का स्पेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो जाए, क्योंकि बीच में जो छोटे छोटे ब्लॉक्स पड़े रहते हैं वो अनयूज रहते हैं, उनको यूज में ला सकते हैं। प्लस जब एक सीक्वेंस में डेटा होता है तो हमारी जो एक्सेस स्पीड होती है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे बैकअप यूटिलिटी की। तो बैकअप यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू हम अपने डिस्क का या डेटा का बैकअप लेते हैं किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस पे। एंटीवायरस, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, एंटीवायरस वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और जो वायरसेस होते हैं उनसे बचाते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में कनेक्ट होने वाले नए हार्डवेयर को हमारे सिस्टम से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप कोई नया मार्केट से प्रिंटर परचेज करते हैं तो जब तक आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे सिस्टम में, तब तक वो प्रिंटर यूज में नहीं आएगा। मीन्स क्या होता है, जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो उसमें जो प्रोग्राम होता है वो इस तरीके का कुछ प्रोग्राम होता है कि ये हार्डवेयर आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो उससे रिलेटेड कोडिंग होती है, प्रोग्राम्स होते हैं जब हम अपने सिस्टम पे स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद जब हम नया हार्डवेयर अटैच करते हैं तो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर पाता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेवलपिंग प्रोग्राम्स की। तो एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके अन्य सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नाम सुना होगा शायद आपने। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कई अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको सिर्फ हम समझ सकते हैं और हमारा सिस्टम क्या समझता है, जीरो और वन, मीन्स मशीन लैंग्वेज। तो अब ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, इस तरीके से काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिन जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम प्रोग्राम करते हैं तो इसको ये कन्वर्ट करता है लो लेवल, मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही सेम काम करते हैं। ये दोनों का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को, मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन इन दोनों का काम करने का जो तरीका है वो अलग है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपाइलर हमारा क्या करता है, जितना भी प्रोग्राम होता है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड करता है, जैसे यहाँ पे जो भी कोड्स लिखे हैं उन सबको एक साथ रीड करेगा और फाइनली इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है 0-1 के फॉर्म में। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या काम करता है, वो इस प्रोग्राम की एक एक लाइन को रीड करेगा और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर अगली लाइन रीड करेगा उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कि ये एक साथ प्रोग्राम को पूरा रीड करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है फिर उसे मशीन कोड में, मींस 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे असेंबलर की। असेंबलर एक अलग टाइप का हमारा ट्रांसलेटर होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज, मींस 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हमारी मशीन जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मूव,
यहाँ पे ए कॉमा बी इस तरीके के कुछ कोड्स लिखे जाते हैं, और ये कोड्स को कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा असेंबलर। ओके, और यहाँ पे जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बाकी जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, फोर्ट्रान, ये सब क्या है, हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जबकि असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर यूज़ करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में समझेंगे क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। विभिन्न मीन्स जैसे कई सारे काम होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के थ्रू करना चाहते हैं, तो उस काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए जाते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को यूज़र की ज़रूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक हमारा डॉक्यूमेंटेशन या ऑफिस वर्क के लिए डिज़ाइन किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे हम ऑफिस का पूरा काम कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन तैयार करना, उसके लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ फाइल्स प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हम एमएस वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो उसके लिए हम एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। अगर हमें डेटा बेस कुछ बनाना है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम उसके लिए एमएस एक्सेस यूज कर सकते हैं। और ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए फोटोशॉप, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम सिर्फ फ़ोटो को एडिटिंग एडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला एक एग्जांपल है इंटरनेट ब्राउज़र, इसको हम इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को। टैली एक हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ अकाउंटिंग के काम को मैनेज करता है। पेज मेकर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैनर, पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस के बेसिस पे डिज़ाइन किए गए हैं। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, दो और तरीके के कैटेगरीज होते हैं। एक हमारा होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा पेड सॉफ्टवेयर या लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेवलपर उसे डेवलप करके रख देते हैं और उसके बाद आप उनको फ्री में आप यूज कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। जबकि हमारे जो हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं जिनको हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको परचेज करना पड़ता है, उनका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है। जैसे कि एमएस ऑफिस एक हमारा पेड सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, इसको लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद ही इस सॉफ्टवेयर को आप लीगली यूज कर सकते हैं। और ओपन ऑफिस एक दूसरा इसी का सब्स्टिट्यूट है जो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको फ्री में डाउनलोड करके फ्री में यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स दे दिए सॉफ्टवेयर के और पूछा कि इसमें से कौन सा हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, तो ओपन ऑफिस या इस तरीके कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फ्रीवेयर हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाइनक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स एक हमारा फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। जबकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं लाइसेंस लेने के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे कल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कल हमने पूछे थे, उसके आंसर्स हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रेफ्रेश मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे डायनेमिक रैम होती है हमारी जो कि पर सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, हालांकि हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है इसलिए आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कोई नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, तो नन ऑफ द दीज। अगला क्वेश्चन है हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क कुड बी स्टोर। तो यहाँ पे जो हमारी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क होती है वो 1.4 MB डेटा स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस, ये दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क में ये फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव। तो अगला क्वेश्चन है द प्रोग्राम विच आर परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। तो यहाँ पे उसके बारे में पूछा कि कौन सा ऐसा
प्रोग्राम है जो हार्डवेयर में परमानेंटली स्टोर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। जैसे कि बायोस, बायोस हमारा रोम में स्टोर रहता है, और बायोस क्या है बेसिकली, एक उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये हमारा एक फर्मवेयर होता है जो कि रोम में हमेशा के लिए स्टोर कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर इसको स्टोर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है द कॉम्पैक्ट डिस्क वाज इन्वेंटेड बाई, तो यहाँ पे जेम्स रसल इन्वेंटर थे सीडी के। अगला क्वेश्चन है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज बिल टाइपिकली हैव द एक्रोनम, तो यहाँ पे RW बोलते हैं, रीड राइट। ओके, तो यहाँ पे अब आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो भी आंसर्स होंगे आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स को भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर टर्म एज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सा ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के इसको करिएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स तो यहाँ पे लाइनेक्स क्या है, कई सारे ऑप्शंस हैं इसका, आप स्नैपशॉट मोबाइल से ले लीजिए, फिर इजिली सॉल्व करके जो भी आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कल इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स भी बताएंगे। ओके, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे एक आपको ब्लैक कलर का लाइक का बटन दिखेगा, उसको प्रेस करके नीला कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com पे। ओके, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।